यहाँ पे साथ में स्विमिंग पूल भी है, ये जो है आपका कालचिन हमारे यहाँ पर भाई सब लोग है प्रैक्टिस करते हुए आर्मी का, और यहाँ पे भी कालचिनी का ये है राजीव थापा चौक, तो हम लोग यहाँ से राइट टर्न बढ़िया सा घर है ये क्योंकि ये हम लोग का गाँव का है सब स्कूल, ये प्राइमटंग का है, ये है हम लोग का आठ नंबर रोड भी कहा जाता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित थापा ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित थापा ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग्स वीडियो है आपका लामा ढाबा फैमिली एंड होम स्टे का ब्लॉग्स वीडियो है, ये मेरा पार्ट वन है और इसमें आपको फुल इंफॉर्मेशन दिया गया है कहाँ से जाना पड़ेगा। और आप लोग यदि कालचिन से बाहर है, कई बीरपाड़ा हुआ जहेंगे उसे हुआ, तो आप लोग कालचिन से आप लोग मैजिक में जा सकते हैं, और नहीं तो आप लोग टोटो रिजर्व भी करके जा सकते हैं, और आप लोग बाइक में भी यदि आ सकते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं। और इसमें स्विमिंग पूल का भी मैंने जिक्र किया है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पार्ट वन में मैंने स्विमिंग पूल नहीं दिखाया है, ये मेरा और पार्ट टू आएगा उसमें होगा वही स्विमिंग पूल का दृश्य। सो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे इस ब्लॉग्स वीडियो को। सो एंजॉय। सो फ्रेंड्स, आप लोग सभी को मालूम ही है कि ये जो सैड का रास्ता है, ये हमारे कंगटे यानी कि टिमाऊ टी गार्डन के और कसीर है ऐसे तो नहीं होता है चिंचला का है। और मैं आज बातें करते हुए ज्यादातर जाऊंगा क्योंकि सब लोग पता है ये हम लोग का गांव का है सब कंटेंट आप लोग। तो आप लोग को पहले मैंने इंट्रो में बता दिया हूँ कि ये जो है ये ईटा भट्टी है, यहाँ पर हम लोग बहुत जन बचपन में यहाँ पर पौड़ी खेलता था। आपका है आपका सब गाँव का लोग है अंदर बच्चे लोग आगे से आ रहा है वो भी हम लोग का गाँव का भाई साहब ही है। सो फ्रेंड्स, जो है ये हम लोग का चिंचला का चौपती है, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं इधर से ही अब जो मैं आप लोग को बोला हूँ जहाँ हम लोग का स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल बिल्कुल पास में ही है।
ये स्कूल है, मीडियम स्कूल, ये रैमटंग का बगान है और ये रैमटंग बगान का ये हमको गोदाम है। ये चौपती है रैमटंग का और वहाँ से सब लोग निकल रहे हैं। ये जो है आप देख रहे हैं ये पाइस पूरा है रैमटंग बगान का ही पार्ट से पाइस पूरा कालचीनी का गोदाम। और हम लोग यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, यहाँ से हम लोग ट्रॉन ले रहे हैं। ये है हम लोग का आठ नंबर रोड भी कहा जाता है। वाह वाह, इतना बड़ा पेड़ गिर गया, शुक्र है किसी का नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, ये जो रोड्स देख रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूँ, इस रोड से मैं जब भी सजेशन, आप लोग का एडवाइस बहुत कुछ मायने लगता है, क्योंकि मैं आप लोग भी शायद जो रेगुलर होंगे मेरे ब्लॉग्स में चेंजिंग देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं मुझे मालूम है आप लोग मेरे एडवाइस करते हैं और बार ब्लॉग्स में चेंज कर रहा हूँ। तो आप उसी मैन से उसी बात में कॉमेंट्स को कॉमेंट्स कीजिए, यदि आप लोग हमारे गाली ठीक है तो और भी भरपूर भरपेट प्यार कीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार आप लोग का सपोर्ट के बिना मैं शायद और वो मुझे ना हो। हम लोग कालचीनी का ये है राजीव थापा चौक, तो हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे। कितने लोगों को तो मालूम ही होंगे शायद जो हमारे कालचीनी के है मठपाड़ा आचारपाड़ा के है, तो उन लोग तो समझ ही चुके होंगे मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे न्यू व्यूअर्स। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सा स्विमिंग पूल बोल रहा हूँ, मैं जब पहुँचूँगा तो मैं आप लोग को पूरा इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल्स मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा, आप लोग को बताऊँगा। भाटपाड़ा का बगान है, शिव मंदिर है और यहाँ पे बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हुए, तो हम लोग बचपन में हम लोग भी ऐसे ही फुटबॉल खेला करते थे बचपन था। तो ये आपका सीधा जाएगा, आपका ये जो ये भाटपाड़ा है यहाँ से सीधा जाएगा आचापाड़ा। अभी शाम का वक्त है, शाम का वक्त में बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, धूप का मौसम है, तो दिन में तो कहीं जाने में तकलीफ ही होता है, इसलिए मैं शाम के मौसम में जा रहा हूँ। और मैं ये आपको कहाँ से ले रहे हैं, ऐसे ड्रोन आप लोग देख रहे होंगे, ये भाटपाड़ा जो लोकल है वो लोग तो पहचानते ही है, और यहाँ पे भी भाटपाड़ा की स्टेट गोदाम। हम लोग यदि वो जगह में जाना चाहते हैं यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, इसलिए हम लोग इधर से जाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग यदि मेरे ब्लॉग्स के माध्यम से
उस जगह पे, तो आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप लोग को मैं सीरियली बताते हुए इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल्स बताते हुए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग बिना कट किए ही रेगुलर देखिए मेरे ब्लॉग्स को। और आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, थोड़ा कमेंट्स कीजिएगा। तो आप शाम का वक्त है, शाम में सभी लोग बाहरी मतलब शीतल हवा खाने के लिए रहते हैं, तो हम लोग भी अब ठंड सॉरी गर्मी के मौसम में हम लोग आ रहे हैं, मतलब शाम का वक्त ही निकल के हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को तो मालूम है कि अभी कैसा माहौल है, एकदम गर्मी पूरा है। सो ये फुटबॉल ग्राउंड लगता है शायद, ये जब आप लोग भी आएंगे यदि नए होंगे इस रास्ते में, तो ये जो मैं देखा रहा हूँ विजुअल वीडियो, वो आप लोग ये इसको देखते ही आप लोग आ सकते हैं, आइए। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं आप लोग स्ट्रेट दिखा रहा हूँ। आप सभी लोग को तो मालूम है कि मैं कोई भी नया जगह में जाता हूँ ब्लॉग्स बनाने के लिए, तो आप लोग को मैं बस ये घर आप लोग देख सकते हैं रास्ता में, आप लोग जब आएंगे तो कुछ कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मेन विजुअल्स वीडियोज में दिखा रहा हूँ जो स्ट्रेट से जाते हैं। यहाँ पे शायद कुत्ते कुछ मुंह में कुछ डाले हुए हैं, और ये शायद यहाँ से आप लोग का अच्छा पड़ा है शायद ये जगह, मुझे भी उतना मालूम नहीं क्योंकि हम लोग से दूर पड़ता है इसलिए, लेकिन जो भी हो आप लोग के लिए हेल्प ही होंगे यदि मेरे ब्लॉग्स में देख रहे होंगे तो। और ये रास्ता अच्छा ही रास्ता है, इतना खराब रास्ता भी नहीं है। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे रास्ता यहाँ से जो जाते हैं, आप लोग बिना कट के देखिए हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग इधर राइट टर्न लेंगे, राइट टर्न लेते हुए हम लोग जाएंगे। कितने जन लोकल होंगे तो कुछ भी लग रहे होंगे कि लोकल जगह का यहाँ पे ब्लॉग्स वीडियो में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हुए फिर हम लोग इधर से टर्न लेंगे। आप लोग देखे होंगे पे बच्चे लोग यहाँ पर साइकिल दौड़ते, यस यस यस। लगभग शाम हो गया और वहाँ पे अच्छा सा लाइटिंग का व्यवस्था किया गया है इसे सुनने में मिला है, तो आए होंगे कितना सुंदर घर, कितना अच्छा घर, पहले नहीं था लेकिन अभी अच्छा अच्छा सा घर बन रहे हैं। और यहाँ पर एक और तबियत दिखाते हुए मालूम है कि मैं जितना हो सके आप लोग को मेरे ब्लॉग्स के माध्यम से एकदम अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले। और यहाँ पे जो है यहाँ पे गुम्बा है, अच्छा पड़ा है, अच्छा पड़ा में आप पहुँचे हैं, ये पोल्ट्री काटते हुए सब्जी सगर आप लोग देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स में। पहले सगर सिर्फ टाउन में होता था, शहर में होता था, लेकिन अभी हम लोग का बस्ती एरिया में हुआ, बगन एरिया में हुआ, इधर भी अभी अच्छा अच्छा सा डिजाइन अच्छा सा सगर अभी बन रहा है। अब इतना बढ़िया सगर है, शाम के वक्त है, शाम के वक्त में भीड़ ही होता है क्योंकि
दिन में तो इतना गर्मी इतना धूप है, ये बताइए कहीं पे भी बचपन में निकलना भी नहीं सकता क्योंकि इतना धूप के कारण। मैं ये दुकान है यहाँ पे, एक छोटा सा मिनी बैंक भी है और यहाँ से वह छोटा सा ऐसे हम लोग का मामा भी जाते हैं। और ये है आप लोग का आचापाड़ा का गोदाम, अच्छा पड़ा का गोदाम है। यहाँ भी एक छोटा सा बैंक है, लोन लेते हैं और यहाँ पे आपका मंदिर देखने को मिलेंगे। ये मंदिर है शिव भगवान का। तो फ्रेंड्स ये अच्छा पड़ा का ये जो है इसको शायद गार्डलैंड कहा जाता है। ये जब हम लोग छोटे से तो सुने थे और आज हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं इसी रास्ते से गार्डलैंड आटापाड़ा का। और यहाँ से बेंगलो है, ये बेंगलो है और यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग जहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बिना कॉट किए आप लोग बने रहे और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे रेगुलर फ्रेंड्स होंगे अच्छे लग रहे होंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पर भाई सब लोग है प्रैक्टिस करते हुए आर्मी का जो सोच के प्रैक्टिस किया है वो लोग का एकदम पूरा हो, भगवान उसका सुने और अपने लाइफ में कुछ करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है सक्सेस जरूर हो जाए। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा। आप लोग जब भी आएंगे तो ये रास्ता मैं ये देखिएगा जरूर, ये रास्ता से जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग पहुँच ही चुके हैं लगभग। सो फ्रेंड्स तो एक्साइटमेंट बनाते हुए रहिएगा जरूर, क्योंकि मैं जो भी टाइटल में रखता हूँ और जो टाइटल थंबनेल में मैं दिखाता हूँ वही मैं हम लोग को सब कुछ वहीं पर दिखाने का भी प्रयास करता हूँ हर ब्लॉग में हर कंटेंट में हर मजे मज़ेदार पहुँच भी चुके हैं हम। आप लोग जो यहाँ से देख रहे हैं तो हम लोग आ ही गए हैं। आप लोग देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स में जो फ्रेंड हम लोग यहाँ से इधर नहीं जाना है इधर से ही जाना। फ्रेंड हम लोग यहाँ से आ चुके हैं अंदर में दूसरे वाले क्यों स्विमिंग पूल भी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका है स्विमिंग पूल में कितना लगेगा और कितना है एंट्री फीस स्विमिंग पूल का ये आप लोग को बता दिया गया है। और साथ में आप लोग को यहाँ पे जो है लामा फैमिली ढाबा होम स्टे यहाँ पे तंदूरी चाइनीज ट्रेडिशनल फूड सब कुछ आपको मिलेगा इस यहाँ पे इस ढाबा में। सो फ्रेंड्स मैं फाइनली यहाँ पे आ पहुँचा हूँ। आप लोग को मैं बता दूँ कि यहाँ जो ये आपका जो रेस्टोरेंट है ये जो ढाबा है यहाँ पे साथ में स्विमिंग पूल भी है। मारो मुझे ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। ये जो है आपका कालचीनी हमारे कालचीनी ब्लॉक के जो आचापाड़ा बगान के पास में जहाँ पे SSB कैंप भी है और जिस रास्ते से नया बस्ती होते हुए जाते हैं वहीं पे ये जगह है। तो आप लोग बने रहे आगे का ब्लॉग्स देखने के लिए, तो तब तक के लिए यू ही। सो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स के माध्यम से जरूर इंफॉर्मेशन मिला होगा, खास करके हमारे जितने भी कालचीनी के पेरेंट्स हुए और बच्चे हुए और भी
मेरे दोस्त हुआ आप लोगों को, शायद आप लोग जैसे यदि स्विमिंग पूल जाने के लिए कई जगहों पे कई दूर पे जाने के लिए आप लोग प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं इस समर वेकेशन में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग का अपना कालचिनी के पास में ही है और आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन मिल चुके होंगे कहाँ पे है, किस जगह पे है। ये पार्ट वन है इस ब्लॉग्स वीडियो का और पार्ट टू और भी चल आएंगे, तो मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। यदि आप लोग नए हैं खास करके कालचिनी के हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त ऑल बटन में क्लिक कीजिए ताकि ऐसा ही मज़ेदार ब्लॉग्स वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो ये है पार्ट वन और पार्ट टू जल्द ही आएगा, तब तक के लिए बने रहे मेरे ब्लॉग्स वीडियो में। बाय बाय।